अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, मज़े में। और यहाँ पर जी मैं आज रिव्यू लेकर आई हूँ ह्यूमिडिफायर का, और जो कि हर घर की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आपके किड्स हैं और आपका बेबी है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और ये जो आप केबल देख रहे हैं, ये इसके साथ ही इसके बॉक्स में आई है। तो और इस बॉक्स में एक इंस्ट्रक्शन बुक भी है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह के पैड आपके पास इधर भी होंगे। मेरे पे ऑर्डर किया था, मैं गिफ्ट किया हूँ। हाँ, ये फ्रेग्रेंस पैड है। ये देखो, रबर पैड है। ये इसी में यूज होता है, ये वाला जो ह्यूमिडिफायर है। इसमें ये वाले पैड यूज होते हैं, और ये एरोमा है वाले। ये ऐसे खोलोगे, एक इसके अंदर रख दोगे, ठीक है? दिखाएं मुझे क्या फ्रेग्रेंस है, क्या है इसमें? रिफिल पैड फॉर सूदिंग मेंथोल वेपर्स। अच्छा, ये मेंथोल जो होता है ना, जो जैसे मिंट की तरह का फ्लेवर होता है, वैसे ही होता है। सब एक जैसे। हाँ, एक ये रखना, दो वीक के बाद चेंज करना अगर। हम इसकी केबल लगा रहे थे और देख रहे थे कि कैसे वर्क करता है। सो वैसे तो आप सब जानते हैं कि इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना होता है, और अब वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं, तो इसमें कलर चेंजिंग भी है, सब कुछ ही है। स्टीम बनाना स्टार्ट भी कर दी। ये डे नाइट है, ये टेम्परेचर है, ये बेबी जैसे आपको सेट करना है, इसको देख लेना क्या साफ होता है। सेटिंग खुद से कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हां, ये अपनी मर्जी से देख लेना इसको, सब ये टच करना है, टच चाहिए। ठीक है। कलर चेंजिंग नहीं, जैसे हमारा दूसरा वाला था, छोटा वाला। वाओ, पिंक हो गया, पर्पल, ब्लू, ऑल कलर, काफी सारे कलर्स है ना। डे नाइट जोन सभी आपने करना, वो कर लो। विंटर्स में बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्टफी नोज, कंजेशन। तो स्पेशली आपने देखा होगा नर्सरी में रखा होता है ह्यूमिडिफायर, क्योंकि ये जो है वो बेबीज़ को प्रोटेक्ट करता है ड्राई एयर से,
और एयर में मॉइस्चर इंक्रीज़ करता है, तो आप भी ये ज़रूर बाय करें और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, इवन कि आप इसको गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी प्रोडक्ट के बारे में बात कर लें कि ये कैसा है। सबसे इसकी अच्छी बात है वो ये है कि जब इसका वाटर लेवल लो होगा तो ये खुद से शट ऑफ हो जाएगा, और ये कि ये फ़िल्टर फ्री ह्यूमिडिफायर है और ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, और आपके लाइक जितनी आपकी डिज़ायर है उतना ह्यूमिडिटी लेवल ये रखता है और उसको मेंटेन करता है। अच्छा, एक और मज़े की बात है कि इसकी बिल्कुल साउंड नहीं है, लाइक आप आराम से इसको ऑन करके सो सकते हैं, और ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं इसको आप आराम से मूव भी कर सकते हैं, इसकी स्टीम को कहीं भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और ये आप अपने रूम में भी रख सकते हैं, अपने बच्चों के रूम में भी रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।